हे तुम वो भानुमती। हाँ भानुमती, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? सुमति। सुमति बेचारी। सुमति को क्या हुआ? अगर बताऊंगा तो रोगी तो नहीं। कौन झोल लगत है? उसकी शादी हो गई। देखो प्लीज टेंशन मत लो वरना मैं बता नहीं पाऊंगा। नहीं बता मुझे। आई आओ। तुम भानुमती? हाँ। हो मेरा नाम सूर्य। हाँ। हम दोनों लवर्स हैं। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? एक बार मान तो लो। ऐसे कैसे मान लूं? मान भी लीजिए ना, इससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको सुमति की कौन चिंता है कि नहीं? आप बैठिए बिटवा, तुम बताओ। ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? हमारे पेरेंट्स राजी नहीं हुए इसीलिए भाग के शादी की, और अगले ही दिन मेरी जॉब छूट गई, लाइफ में कड़की छा गई, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो गई, आज तुम्हारी डिलीवरी है। आज है मेरी डिलीवरी? तुम्हें अम्मा बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा ये। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए। आगे बताओ बेटवा। स्कैन से पता चला बच्चा एक साइड में घूम गया है। ऑपरेशन के लिए 50,000 की जरूरत है। मेरे पास नौकरी नहीं, पेरेंट्स नाराज है, और भानुमति की कंडीशन क्रिटिकल है। दोस्तों ने जेब झाड़ी, 40,000 इकट्ठा किए, 10,000 और चाहिए, कहाँ से लाऊं? कहाँ से? और तभी मुझे याद आया भानुमति की सुमति नाम की एक बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। और इस ऑपरेशन के लिए सुमति उसे पक्का 10,000 देगी। हाँ, हाँ, सुमति जरूर हेल्प करेगी। करेगी ना? हाँ। तो सूर्या ने अपने फ्रेंड किरण को वाइफ की फ्रेंड सुमति के पास भेजा। पर सुमति यहाँ नहीं है। थोड़ी देर मान लो ना कि तुम सुमति और मैं किरण। अरे पर मैं तो भानुमति हूँ ना। भानुमति हॉस्पिटल में है ना। मैडम जी, थोड़ी देर के लिए खुद को सुमति मान लीजिए। बिटवा जो कह रहा है वो मान लो। तुम बैठो बिटवा, ये सुमति ही है, आगे बताओ। सुमति जी। हाँ? आपकी बेस्ट फ्रेंड भानुमति की लाइफ खतरे में, उसके लिए 10,000 नहीं दे सकती? हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। तो फिर दीजिए ना। हाँ। थैंक्स भानुमति ने। थैंक्स। ये आदमी मेरे पैसे लेके जा रहा है। उसे जाने दीजिए, उसे सूर्या को पैसे पहुँचाने हैं। सूर्या तो यहाँ बैठा है। सुमति जी, सूर्या हॉस्पिटल में, मैं उसका दोस्त किरण हूँ। इतना समझाया फिर भी आपकी शक्ल पर कंफ्यूजन है। पर मेरे पैसे कौन लौटाएगा? ये अच्छा सवाल है, भानुमति से मांग लेना। भानुमति कुछ नहीं देगी, एक नंबर की कंजूस है, फूटी कौड़ी नहीं देने वाली वो। ये खुद की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? उसके पापा परमिशन नहीं देंगे। तुमने पैसे लिए हैं, अब तुम ही लौटाओ। बताओ कब दोगे पैसे? अभी तो नहीं है, एक हफ्ते में कलेक्ट कर। हाँ। देखो वो हमारा अड्डा है, वहाँ आके पैसे ले लेना। लेकिन थैंक यू सो मच सुमति, तुमने भानुमति की जान बचा ली। अब सूर्या किरण के पास जा रहा है। ओके आप जो बाबूजी, इस बार भानुमति और सूर्या को खुश रखे और एक और औलाद दे। अगर ये किरण है तो मैं सुमति हूँ, अगर मैं सुमति हूँ तो भानुमति हॉस्पिटल में है, भानुमति हॉस्पिटल में है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये उस खटारा बाइक की वजह से हुआ है, कल वो एक्सचेंज करके नई बाइक ले लेंगे। पापा भी पुराने हो गए हैं, उन्हें भी एक्सचेंज कर देते हैं। पंच मारना मुझे भी आता है। पापा से प्यार करना सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, मेरा भी शेयर है। अब ये पापा के प्यार में भी शेयर मांगने लगी है, ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। इसकी शादी करवा के इसे चलता कीजिए, सब खुश रहेंगे। हे, मैं तुम्हारी लव स्टोरी की विलेन हूँ क्या जो मुझे भगा रहे हो? मैं बीच में आई तो मुझे भी भेज देगा। उफ, ये खांसी। ये क्या है शांति, इतने दिनों से खांस रही हो, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? अपने आप ठीक हो जाएगी। ये गलत है माँ, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ठीक हूँ बेटा। आपकी वजह से पापा को खांसी हो गई तो? सूर्या, पापा की इतनी फिक्र है लेकिन अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं। बिल्कुल सही कहा। हूँ तारी माँ छू। अने आ मारा पापा छू। You can party! Hey, excuse me. Yes. क्या तुम कुछ दिन पहले लक्ष्मी टेंपल गई थी? मैं तो मंदिर नहीं जाती। जाना चाहिए था ना। हाँ? हाँ यार, इसकी बैक वाली के चक्कर में तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कब। हाँ? अब क्या करें, उसे तो हमने एक हफ्ते बाद आने को कहा था। अब क्या करेंगे, कुछ दिन अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हेलो हेलो किरण, सुनो। वहाँ की कॉफी से बोर हो गया हूँ, आज चाय पियेंगे। ये क्या किरण, मैंने आवाज दी तो भाग गए वहाँ से। तुमने मुझे बुलाया? हाँ। किसी ने आवाज सुनी? नहीं तो। आवाज नहीं सुनी? किरण रुको, किरण रुको, कब से चला रही थी मैं? पर मारो नाम तो सूर्या छे। तुमने कहा था किरण है। वो तो कल था, तुम्हारा नाम क्या है? भानुमति। अगर तुम भानुमति हो तो मैं सूर्या हूँ, इतनी छोटी बात पर कंफ्यूज क्यों होती हो? अच्छा ये सारा कंफ्यूजन छोड़ो, मेरे पैसे दे दो, मुझे पापा को देने हैं। ठीक है बैठो फिर बात करते हैं। लो बैठ गई, पर जल्दी से पैसे दे दो। हाँ, अगर पापा ने मेरा पर्स चेक कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेंगे। क्या कहा, मार डालेंगे? हाँ, तुमने ऐसे पापा नहीं देखे होंगे, मेरे नहीं हिटलर के पापा हैं। वैसे ये हिटलर काम क्या करता है? जॉब करते हैं। मम्मी भी जॉब करती है? एक्चुअली हम तीनों जॉब करते हैं। अच्छा, इतना पैसा कमा के क्या ताजमहल खरीदोगे? मेरे पापा कहते हैं कि इंसान को पैदा होने से लेकर मरते दम तक पैसे कमाने चाहिए। ही इज अ वर्कहोलिक। मेरे पापा की जितनी तारीफ करूँ कम है। ज्यादा तारीफ मत करो, बस बता दो। शारदा,
शारदा। आई जी, क्या हुआ? क्या है ये सब? चावल में चमचा, सब्जी में चमचा, दाल में चमचा, सूप में चमचा, ये घर है या होटल? ढाबी सिलाई। कुछ सीखो, किस तरह घर का राशन बचाते हैं। अगर चावल चम्मच से लेते हो तो घी कैसे लेते हो? और बचे हुए चावल का क्या करते हो? नींबू मिला के उसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं। फर्श पर चावल गिरे तो उसे भी चाटते हो क्या? चश्मा क्यों पहना है? बल्ब फ्यूज है? फ्यूज नहीं है, लेकिन एक दिन आंखें ठीक है तो चश्मा क्यों? चश्मा पहनकर आंटी दिखोगी तो कोई लफंगा छेड़ेगा नहीं। माँ, कंजूस हिटलर तो पूरा साइको लगे छे। मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। पापा कहते हैं आवारा लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं, तुम कोई ठीक ठाक सा जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब है ना, इसका होटल है, ये एस्टेट एजेंट है, ये शेयर्स में और ये ट्रैवल्स में। और तुम क्या काम करते हो? इन सबको बिजनेस आइडियाज देता हूँ, कंसल्टेंसी फर्म है। ये एक बिजनेस करते हैं लेकिन मैं चार चार बिजनेस करता हूँ। अगर क्लियरली बताऊँ तो बिना कोई काम किए काफी बिजी। घंटी बजी तो ये वाइब्रेट मोड पे की चली गई। हेलो आनो, कहाँ हो तुम? सर, ऑफिस की टॉयलेट में हूँ सर, 5 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आओ। ठीक है। इतनी टेंशन में क्यों? मेरा बॉस है, टॉर्चर करता है। डिटेल में बताओ। भानुमति जी, कम इन। सर आपने बुलाया? हमने बुलाया और तुम दौड़ी चली आई है ना? हाँ। अब जाओ। फिर आती हूँ सर। से लेकर प्यून तक का काम वो मुझसे करवाता है, दिन रात फोन करता है, मैं कहाँ हूँ, क्या खाना खाया, क्या ड्रेस पहनी, रात के सपनों के बारे में भी पूछता है। ऑफिस का काम मुझसे घर पर भी करवाता है, पर क्या कर सकती हूँ, मैं वर्कहोलिक हूँ ना, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। वर्कहोलिक नहीं, तुम पे चांस मार रहा है। चांस कैसे मारते हैं? क्या लड़की है, चांस मारने का मतलब नहीं पता, पूरी आंटी छे। जॉब नहीं छोड़ सकती, पापा कभी परमिशन नहीं देंगे, बॉस से भी नहीं कह सकती कि फोन ना करे, नाराज हो गए तो नौकरी से निकाल देंगे। मेरे प्रॉब्लम का कोई सलूशन है तुम्हारे पास? फ्री में एडवाइस नहीं मांग रही हूँ तुमसे, पूरे 11 रुपए दूंगी तुम्हें। पूरे 11 रुपए? हाँ। नहीं रहने दो, इतना ब्लैक मनी साथ में रखूंगा तो इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे, इसे चैरिटी में दे दे। यानी फ्री में दोगे? बताओ जल्दी। आज तो मैं अपने दिल का हाल सुना कर ही रहूंगा। सर आपके लिए एक सरप्राइज है। ये सबसे भी ज्यादा उतावली निकली। ये क्या है? मेरी शादी का इनविटेशन सर। कौन है ये मेरा साथ, क्या करता है? फिलहाल तो जेल में है सर। जेलर है या क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल जेलर है सर। इससे शादी करने वाली हो तो ये जॉब छोड़नी होगी। यू आर डिसमिस्ड। देखा, एक ही झटके में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। अब तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है, मंथ एंड में पापा सैलरी के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूंगी? भानुमति, तुम में अकल बिल्कुल नहीं है। अपने पापा की बात सुनोगी तो तुम्हें सिर्फ पैसा मिलेगा, दिल की बात सुनोगी तो लाइफ मिलेगी। तुम्हें पैसा प्यारा है या लाइफ? मैं कुछ समझी नहीं। माय डियर भानुमति, बात यह है कि लड़की पैदा होते ही बाप उसका लाइफ रिमोट अपने हाथ में ले लेता है, वो जैसे चाहे तुम्हें कंट्रोल कर सकता है, वो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है ताकि तुम उसकी हर बात मानो। वो तुम्हें कॉलेज भेजता है और चाहता है कि तुम पढ़ाई पे फुल फोकस करो, लेकिन वो तुम्हारी शादी पे फोकस करता है। तुम्हारी नजर बुक्स पर गड़ी रहती है, दिन रात पढ़ाई करके तुम फर्स्ट रैंक लेकर आती हो, पेपर्स में तुम्हारी फोटो छप जाती है, तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन पापा आके तुम्हारे प्लान्स पर ब्रेक लगाते हैं, अपने जैसा एक और आदमी ढूंढकर उसे रिमोट पकड़ा देते हैं। 20 साल पापा ने रिमोट पकड़ा, बाकी 40 साल तुम्हें हस्बैंड कंट्रोल करेगा। तुम अपनी लाइफ कब जियोगी? पढ़ाई पूरी करने और शादी होने के बीच एक छोटा सा स्पेस आता है जब रिमोट किसी के हाथ में नहीं होता। इतना कीमती समय तुम जॉब और करियर बनाने में क्यों वेस्ट कर रही हो? 60 साल के बाद टीवी वेस्ट हो जाता है, फिर रिमोट हाथ में लेके क्या फायदा? ना उसे रिपेयर कर सकते हैं, ना उसकी कोई गारंटी लेगा। इस बड़े से लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि लाइफ में जो छोटी सी स्पेस मिलती है उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड नॉट ओनली यू बट ऑल द गर्ल्स इज एंजॉय योर लाइफ। यार एंजॉय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये चश्मा फेंक दो। अने आ चश्मो पेरी में।